नमस्कार, मैं अमित सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि नेपाल और पलाऊ ने स्थापित किए राजनयिक संबंध, और इसके साथ ही नेपाल के द्विपक्षीय राजनयिक संबंध रखने वाले देशों की संख्या 174 हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल कितने बड़े बड़े देशों को मदद दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राय और संयुक्त राष्ट्र में पलाऊ गणराज्य के स्थायी प्रतिनिधि इलाना विक्टोरिया सीद ने संयुक्त राष्ट्र में नेपाल के स्थायी मिशन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में इस आशय के एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस अवसर पर दोनों राजदूतों ने दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र मंचों पर राष्ट्रीय और बहुपक्षीय सेटिंग पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सामान्य हित के विभिन्न मामलों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। पलाऊ गणराज्य प्रशांत महासागर फिलीपींस के दक्षिण पूर्व में स्थित एक देश है, जिसका क्षेत्रफल 459 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी लगभग 22,000 है। यह 1 अक्टूबर 1994 को एक संप्रभु राज्य बन गया था। इससे पहले यह प्रशांत द्वीप समूह के संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट क्षेत्र का एक हिस्सा था, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित किया गया था। पलाऊ 15 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र में 185वें सदस्य रूप में शामिल हुए थे, और नेपाल ने इस छोटे से देश की मदद कर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।